कराची वसीम अख्तर ने कहा कि 3 सालों से मुल्क भर को आगाह कर रहा हूँ कि KMC के वसाइल रोक दिए गए हैं। जब कराची को शेयर मुकम्मल तौर पर नहीं मिलेगा, शहर की हालत बेहतर नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते जब तक जो ड्यू शेयर है कराची का वो ना मिले, सही रिसोर्सेज ना मिलें। हम अपने डिपार्टमेंट्स और कराची के हालात को बेहतर नहीं रख सकते। ये मैं 3 साल से मीडिया के तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान के इल्म में ला रहा हूँ। बारिश के दौरान वफाकी हुकूमत को खत लिखा कि कराची की मदद की जाए। अब देखते हैं कि वफाकी वजीर कराची की क्या मदद करते हैं। अली जैदी साहब से रिक्वेस्ट की कि 2 पोर्ट्स हैं इस शहर में, आपके पास पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है, पोर्ट का भी फ़र्ज बनता है कि कराची की मदद करे, माजी में कर चुकी है। तो वो सामने रखते हुए सारी चीज़ें खत लिखा, अली जैदी साहब ने रिस्पॉन्स दिया है और मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि KMC के पास पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, डिपार्टमेंट मौजूद है इंजीनियरिंग का, म्यूनसिपल सर्विसेज का, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, DMCs के पास अपना मैकेनिज्म है, उनके पास भी एक्सपर्ट्स हैं। हमें रिसोर्सेज चाहिए ताकि हम अपने फंक्शंस को बेहतर तरीके से सरंजाम दे सकें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में समर कैंप के इख्तिताम पर तकसीम इनामात की तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही KMC को नालों की सफाई के लिए 50 करोड़ दिए गए थे। सईद गनी साहब ने कहा है कि वसीम अख्तर साहब को 50 करोड़ रुपए दिए थे सूबाई हुकूमत ने, उन्होंने उसका हिसाब नहीं दिया, इसलिए वजीर आला ने फाइल पर लिख दिया है कि जब तक हिसाब न दें इनको कोई पैसा न दिया जाए। देखिए, मैं 3 साल से आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ कि रिसोर्सेज नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से 50 करोड़ रुपए KMC को दिए गए। 30 जून को वो एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है और सारा जो तरीक़ेकार है, जो प्रोसीजर है, जो जिस तरह से वो पैसा यूटिलाइज हुआ है, वो सारा हम सबमिट कर चुके हैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को। हमारे कोई अबाउट मोर देन 70 करोड़ बाकी हैं, अभी सिंध गवर्नमेंट को देने हैं। ऐसा नहीं है, जो हिसाब की बात जो भी कर रहा है, हिसाब जो तरीक़ेकार है, जो प्रोसीजर है, वो पूरा किया जा चुका है। सरफराज अहमद ने कहा कि कराची में बहुत काम की ज़रूरत है, कराची को मिलकर साफ करने का फैसला बहुत अच्छा है। कराची जो है वो आपका मेन सिटी है और कराची जितना साफ रहेगा, आपको पता है सारा रेवेन्यू जो है वो कराची से आता है, तो कराची साफ होगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान साफ होगा। तो जैसे कि सबने इनिशिएटिव लिया है और मैं समझता हूँ कि सब मिलकर काम करेंगे तो बिल्कुल बेहतरी आ सकती है। जैसे सबने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है कि कराची के मिलकर साफ करेंगे, तो सब मिलकर काम करें, चाहे जो भी टीम हो, चाहे मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हैं, ये अली जैदी साहब हैं, या सईद भाई हैं, सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी के, जितने भी लोग हैं, सब मिलकर काम करेंगे तो ऑब्वियसली कराची बिल्कुल साफ होगा। कराची को बहुत ज़रूरत है कि थोड़ा यहाँ पर अगर लोग नज़र डालेंगे तो सिचुएशन काफ़ी ठीक नहीं है, लेकिन अगर सब मिलकर काम करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। KMC और वसीम अख्तर और उनकी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने बच्चों को बैनुल अक्वामी सतह की सहूलियात फराहम की। यार, मेरे ख्याल से क्रिकेट की जंप तो हम लोग ज़मीन से लगाते हैं, ये बच्चे तो आसमानों से जंग लगा रहे हैं। 40 फुट से जंप लगाना जो है वो आसान बात नहीं है, मतलब अगर आप ठीक है नीचे पानी भी हो लेकिन इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ पे जो है KMC और मेयर कराची के मेयर जो वसीम अख्तर साहब हैं, उनकी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतना ज़बरदस्त उन्होंने इनिशिएटिव लिया बच्चों के लिए, समर कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जिसमें बच्चों ने स्विमिंग भी करी, आपने स्केटिंग भी करी है, उसके अलावा जो जिमनास्टिक की चीज़ें हैं। तो आई थिंक ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल होनी चाहिए, जैसे इन्होंने समर में की है, मैं समझता हूँ कि ये एक्टिविटीज़ हर 4 महीने के बाद बच्चों को होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे हेल्दी रहें, क्योंकि ये इन्वायरमेंट जो है हम लोग बाहर जाके मुल्कों में देखते हैं, ये इन्वायरमेंट जो है बाहर के मुल्कों में नज़र आता है, लेकिन अगर हमारे अपने बच्चों को हम ये इन्वायरमेंट देंगे बचपन से, उनको हम स्विमिंग कराएंगे, स्पोर्ट्स की तरफ रखेंगे, तो पढ़ाई के साथ साथ उनकी ये एक्टिविटी भी जारी रहेगी, जो कि बहुत अच्छा है। मीडिया स्पोर्ट्स के हवाले से कम खबरें बताता है। मेयर कराची वसीम अख्तर का समर कैंप की अख्तितामी तकरीब से खिताब। ऐसी सरगर्मियों को ज्यादा कवरेज की जरूरत है, इसकी हमें खासतौर पर कराची को जरूरत है। हमारे बच्चों के पास इस किस्म के स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज ही नहीं है। हमारे स्कूल्स तो अब बिल्डिंग्स में आ गए हैं, पहले स्कूल्स बनते थे तो उसके साथ ग्राउंड बनते थे, पहले अब
जिस तरह से हुकूमतों को इस एरिया में सपोर्ट करनी चाहिए, अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी का भी इंटरेस्ट इस तरफ नहीं है। हालांकि स्पोर्ट्स की बहुत सख्त जरूरत है इस मुल्क को। वफाकी और सूबाई हुकूमतों का कोई तआवुन नहीं। KMC इन महदूद वसाइल में बेहद कोशिश कर रही है कि शहर के बच्चों को खेल की सहूलतें हासिल हों। हमारा हाल अच्छा है नहीं। कराची को जिस तरह से ओनरशिप मिलनी चाहिए उस तरह से ना फेडरल गवर्नमेंट से मिलती है ना सूबे की हुकूमत से मिलती है। हम जैसे भी कर रहे हैं वो हम जानते हैं कि हम अपने डिपार्टमेंट्स किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, मगर खुशी हो रही है महदूद वसाइल में रहते हुए भी ये जो आपने इवेंट्स देखे, ये जो एक्टिविटीज़ देखी, इसमें पूरे डिपार्टमेंट का, KMC का और फाउंडेशन स्कूल का के एफर्ट्स शामिल हैं। तो मैं सबको मुबारकबाद भी पेश करूंगा। लोगों को मौाक़े नहीं मिलते, बंदियाँ उसमें कराची अगर ऐसे मौाक़े देती है तो उससे फिर वो फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ये जो हालात इस वक्त KMC की फाइनेंशियल पोजिशन के हैं, महदूद हालात में KMC जो कुछ कर सकती है वो कर रही है, और मैं इस प्रोग्राम की से फ़ायदा उठाते हुए मेयर साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि सर हमारे जो इवेंट्स वगैरह की जो चीज़ें आपके पास जाती हैं तो उसको काइंडली ज़रा हमदर्दी से देखें और ताकि और बेहतर प्रोग्राम कर सकें।